ये एक संयोग ही है कि पहले झारखंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पूर्ण रूप से झारखंड में निर्मित हिंदी फीचर फिल्म लोहर दगा का भव्य प्रदर्शन फेस्टिवल की ओपनिंग फिल्म के रूप में हुआ। झारखंड के अलग अलग क्षेत्रों से आए दर्शक और बॉलीवुड के कई जाने माने सितारों के साथ इस फिल्म में काम करने वाले 100 से ज्यादा झारखंड के कलाकारों ने फिल्म देखने के बाद फिल्म की मेकिंग और कलाकारों के अभिनय की तारीफ बढ़ चढ़ कर की। सामाजिक समस्या की एक ऐसी फिल्म बनी है जिसकी हिमाकत की है लाल विजय सहदेव ने। बॉलीवुड कलाकार यशपाल शर्मा ने कहा कि ये फिल्म बॉलीवुड के लिए मिसाल साबित होगी। मैं आज आपसे बहुत जरूरी बात करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे टैलेंट आते हैं पूरी दुनिया से, इंडिया में पता नहीं कोने कोने में टैलेंट भरा पड़ा है, लेकिन हमको सच में पता नहीं होता कि कौन क्या है, कितने पानी में है। लेकिन कल मैंने एक फिल्म देखी है लोहर दगा, कमाल की फिल्म है। मतलब संजय मिश्रा, अखिलेंद्र मिश्रा और रवि झांकल वगैरह जैसे बड़े बड़े लोग नारा है, कोई दूध पीता बच्चा नहीं कि ऐसे ही मिल जाएगा आपको। लोहर दग्गा एक बहुत खूबसूरत फिल्म है और लोहर दग्गा में ही शूट हुई है, और झारखंड के किसी एक प्रॉब्लम का तार छूती है, और देखिए उसको कौन सी प्रॉब्लम है, क्या तार है। झारखंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पहली फिल्म, ओपनिंग फिल्म दिखाई गई लोहर दग्गा, जो पूरी तरह झारखंड में बनी है। लाजवाब गजब की फिल्म है, बहुत ही खास है मेरे लाल विजय जी। उन्होंने ये मूवी डायरेक्ट की है, बहुत ही उम्दा तरीके से डायरेक्शन किया है उन्होंने, और झारखंड रांची की बहुत ही भीतरी परेशानी को जानने का ये अवसर मिला इस मूवी को देखकर। बहुत ही पर्टिकुलर उन्होंने तार पर, दुखती रग पर हाथ रखा है और बहुत अच्छे से उसका निर्देशन किया। 3-4 दिन यही बस नक्सल खेल लो, हम जाते हैं, तारीख लेके आएंगे, सरेंडर करना, अब पुलिस में नौकरी। झारखंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जो लोहर दग्गा मूवी दिखाई गई, इट्स रियली अमेजिंग। उसकी कास्टिंग, डायरेक्शन, एवरीथिंग जस्ट परफेक्ट। वेरी वेल क्राफ्टेड, वेरी वेल डिजाइंड, वेरी वेल प्रोड्यूस्ड एंड आई शुड से वेरी वेल डायरेक्टेड। ये फिल्म है लोहर दग्गा, जिसमें हमारे निर्देशक श्री लाल विजय जी ने बहुत ही ईमानदारी से बहुत बड़ी समस्या को इस फिल्म के माध्यम से रखा है। लोहर दगा के अंदर एक सबसे खूबसूरत बात है कि इसके अंदर बॉलीवुड के और यहाँ के कलाकार जो यहाँ के रहने वाले हैं, उन दोनों का समावेश किया गया है। अपना तो फिक्स है, आर्मी। यहाँ के फोक्स का उपयोग, यहाँ के गानों का उपयोग किया है, वो सराहनीय है। झारखंड स्थित लोहर दगा और लातेहार के बीच तोड़ी के जंगल में पुलिस के साथ मुठभेड़ में 19 नक्सली मारे गए हैं। अच्छी फिल्म का मतलब के जो सब्जेक्ट है फिल्म का, और जिस तरह से पूरी फिल्म को शूट किया गया, सबसे पहले तो उस एरिया में जाके शूटिंग किया गया है जहाँ जाने से लोग घबराते हैं। झारखंड में शूट हुई है पिक्चर, झारखंड की कहानी पे है, यहाँ की जो सच्चाई है, एक बहुत बड़े सब्जेक्ट को मूवी ये दिखा रही है, एक बहुत ही बर्निंग इशू को उठाने की कोशिश की गई है, और मूवी की क्वालिटी बहुत अच्छी, आप सभी जरूर देखें, एंजॉय करें। डेब्यू फिल्म ऑफ लाल विजय डील्स विद अ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड वल्नरेबल प्रॉब्लम कैमोफ्लेज्ड एज एम्प्लॉयमेंट ड्रिफ्ट्स अपार्ट द यूथ बिफोर दे रियलाइज इट, सर्विंग नो वन्स पर्पस, नाइदर द सिस्टम नॉर द रिवोल्यूशनरीज नॉर द यूथ नॉर द सोसाइटी एट लार्ज। अरे तो किस चीज का ट्रेनिंग दे रहे नक्सली का? विजयराज का काम ये एक ऐसी फिल्म है जो रियल लाइफ स्टोरी से इंस्पायर्ड है। इस फिल्म को आप जरूर देखिए, एंड इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि झारखंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो कि पहली बार हो रहा है झारखंड में, इसमें इसे ओपनिंग फिल्म के तौर पर चुना गया है। द फिल्म्स नैरेटिव टेक्स यू थ्रू द ब्यूटीफुल लोकेशंस ऑफ झारखंड व्हिच प्रोबेबली माइट नॉट हैव बीन शोन बिफोर ऑन द स्क्रीन। वन मोर थिंग आई रियलाइज व्हाइल वॉचिंग द फिल्म दैट म्यूजिक इज कमेंडेबल व्हिच इज been done by Nandlal Nayak. First time ever in any Bollywood mainstream film mein Jharkhandi sangeet sunne ka mauka milega. E Jharkhand kar kura. दोस्तों, मैंने जो इसमें काम किया है, मैं भी इसका एक विशेष पात्र हूँ। ये फिल्म युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। नक्सली पैदा नहीं होते, बनाए जाते हैं, वे हमारे ही बीच के लोग हैं। पगडंडिया खो चुकी है अब गाँव में, लोग जूते पहनने लगे हैं। मोहित बोला कि हमरिन सब के ये फिल्म एक बार जरूर देखने के चाहिए, ताकि हमरिन का छुआ होता समझदार बन सके। पर हमारे दुश्मन कौन है? ये
की बात तो आज तक हमको भी पता नहीं चला। फिल्म के लीड एक्टर सर्वदमन की तारीफ सभी कलाकारों और प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स ने की। सबने मिलकर उन्हें अपना आशीर्वाद और प्यार दिया। आम तौर पे हीरो जैसे दिखते ना वैसे नहीं थे वो लोग, लेकिन उन्होंने ऐसा दिल जीत लिया मेरा कि मैं सच बता रहा हूँ, ऐश्वर्या राय भी फेल हो गई और हमारी ऋतिक रोशन भी फेल हो गए। ये लड़का है हमारा सर्वदमन, ये सबका दमन करेगा, एक फिल्म बता रहा हूँ मैं। और एक सबकी प्रिय है प्रिया, इन लोगों ने, इन दोनों ने किया है कल की फिल्म में काम, एंड रियली आई एम टेलिंग दे आर आउटस्टैंडिंग। कब तक नक्सली बनकर घूमते रहेंगे जंगल में? यहाँ से ज्यादा खतरा तुमको बाहर है। बहुत नेचुरल एक्टर मुझे नजर आए, क्योंकि ऐसा लगा कि इन्होंने अपने अंदर उस चीज को जज्ब कर लिया, लगा नहीं कि मनु है कहीं पर भी, तो वो एक एक्टर के लिए बहुत ही खास बात है और इन्होंने जान डाल दी सच में। I really wish Sarvadaman all the very best for his upcoming projects. Lagta hai Bollywood mein ne star, talented star ki entry hone wali hai. Mannu, pehle kya naam tha? Mannu ka Narinder, ab naam rakha hai Lohardagga. Mujhe lag, tumko nahi lagta tumhara naam acha hai Lohardagga? Naam bada zyada acha naam. Feel dal rahe jo movie ke liye chahiye. Bhag Mannu! Usko rukna hoga. जान दे देगा वो, लेकिन देश के खिलाफ कभी नहीं जाएगा। सर्वदमन ने बहुत जस्टिफाई किया है झारखंड की मोशन को, और ऑफ कोर्स अभिनय के सम्राट आदरणीय संजय मिश्रा जी, अखिलेंद्र मिश्रा जी, विजय राज साहब, झारखंड के बहुत ऐसे टैलेंटेड छुपे हुए प्रतिभाओं को इस फिल्म में देखने का मौका मिलेगा। बड़े बड़े एक्टर जो बॉम्बे से आए हैं, जो 20-30 साल से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनके बीच में सर्वदमन एक नया लड़का है। जिस तरीके से उसने काम किया है वो बहुत ही खूबसूरत है और बिल्कुल कांटे की टक्कर दी है, तो टैलेंट जो है कहीं भी छुपता नहीं है। एक उभरता हुआ कलाकार है ये, इसके एक्सप्रेशंस मुझे बहुत नेचुरल लगे, कुछ अलग करने की कोशिश नहीं की। मैं इसके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ, क्योंकि ये इस फिल्म से आ रहा है और बहुत ही सशक्त रूप में आ रहा है। इस दौरान सेलिब्रिटी क्रिकेट मैच में भी सर्वदमन ने ऑलराउंडर प्रदर्शन करके अपनी टीम बॉलीवुड को जिताने में सफल रहे। उन्हें बेस्ट ऑलराउंडर के खिताब से सम्मानित किया गया। ये कल की फिल्म के हीरो थे, हीरो हैं। आने वाले टाइम में देखिएगा, ये लड़की है प्रिया, इनके साथ ये पूरा कमाल करने झारखंड का नाम बढ़ेगा, साथ में आसमान में बढ़ेगा। तो 3 दिन चले इस फेस्टिवल में कई सारी बॉलीवुड हस्तियों ने शिरकत की, जिसमें रमेश सिप्पी, महेश भट्ट, अमोल पालेकर, किरण जुनेजा, संजय मिश्र, विजय राज, यशपाल शर्मा, अखिलेंद्र मिश्र, राजपाल यादव, रवि किशन, राजेश जैस, पवन शर्मा, फिल्म समीक्षक कोमल नाहटा, पंकज झा, विनोद आनंद, शिखा मल्होत्रा, करण सिंह अरोड़ा, मियां लकड़ा। विदेशी कलाकारों में ईरान से आई लेन लिया शरण, पोलैंड से आई नतालिया प्रमुख थे। पुरस्कारों की झड़ी में फिल्म लोहरदगा के लिए विजय राज को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड दिया गया, तो पूरा ऑडिटोरियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजने लगा। और फिर जैसे ही लाल विजय शाहदेव निर्देशित फिल्म लोहरदगा के लीड एक्टर सर्वदमन को बेस्ट डेब्यू एक्टर का अवार्ड दिया गया, दर्शकों ने जोरदार स्वागत किया और बॉलीवुड की जानी मानी हस्तियों ने सर्वदमन को गले लगाकर बधाई और अपना आशीर्वाद दिया। झारखंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अपनी फिल्म लोहरदगा को मिले बेहद अच्छे रिस्पॉन्स से इस फिल्म के निर्देशक लाल विजय शाहदेव बेहद खुश और आत्मविश्वास से भरे दिखे। एक अलग तरह की कमर्शियल फिल्म बनाकर उन्होंने सबका दिल जीत लिया। वैसे घर का है तुम्हारा? लोहरदगा।